वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। एक और नए दिन की शुरुआत, यानी कि शाम से ही दिन की शुरुआत हो रही है। अभी टाइम हो रहा है रात के 9:45 का। हम जाने के लिए तैयार हुए हैं, मैं जाने के लिए तैयार हुआ हूँ मुहर्रम के ताजिए देखने के लिए। और किस तरह से इस बार के ताजिए होंगे, क्योंकि पिछले 2 सालों से ना कोविड की इतनी रिस्ट्रिक्शन थी जिसके चक्कर में ताजिए ना तो निकल पा रहे थे और ना ही पब्लिक बाहर निकल पा रहे थे, जिसके चलते काफी ज्यादा सभी ने वो पैंडेमिक का माहौल झेला है। देखो मेरा लॉकेट आ गया मस्त वाला, जो मैंने कहा था ना व्लॉग में शेयर करूंगा, ये है वो मस्त वाला लॉकेट जिसके ऊपर कुछ अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। बहुत लंबी कहानी है, छोटी मोटी है, बाद में बताएंगे। फिलहाल तो अभी निकलते हैं, 9:45 का टाइम है। कभी ऐसा हो कि हम वहां पहुंचे और सारे ताजिए निकल के बाहर आ जाएं। एक एक ताजिया इस वीडियो के अंदर कोशिश की जाएगी आप सभी से शेयर करने की। इधर तैयारी चल रही है मायशा की, मायशा भी अच्छे से तैयार हो गई है जाने के लिए। ये जा रहे हैं दोनों अपनी नानी की यहाँ और मैं जा रहा हूँ ताजिए देखने, क्योंकि ताजिए में होता है बाहर का काम, पब्लिक होती है बहुत ज्यादा, तो मैं अकेला ही वहाँ काफी हूँ कवर करने के लिए। ताजिए देखने के लिए पूरे 2 साल के बाद, आज 3रा साल है ना, आई थिंक है ना, पहले साल कोविड था, दूसरे साल कोविड और थर्ड ईयर अब है 3 साल बाद। फाइनली ऑलमोस्ट मेरा काम भी कम्प्लीट हो गया है, लैपटॉप में बंद करना बाकी रह गया, बस ये बंद कर देता हूँ। अरे ये तो ऑलरेडी वैसे ही बंद हो गया। ये हमारा बड़ा सा फाउटू, अभी लेटेस्ट का व्लॉग शेयर किया, पता नहीं कैसे कॉपीराइट आ गया यार। भाई दादी करते हैं इसको बंद, शट अप। चले मायशू, चलो आओ खड़ी हो, आ जाओ, लाओ हाथ दो, जल्दी से हाथ दो जल्दी से। और भाई खड़े होने के लिए तैयार है मजबूरी बेटे, अभी थोड़ा सा तुम्हें सीखना पड़ेगा। एंड फाइनली मैं आ चुका हूँ बाहर, मुस्कान एंड मायशा को छोड़ दिया मैंने मुस्कान के घर पे और मैं जा रहा हूँ पुरानी दिल्ली ताजिए देखने के लिए। आई होप कि ताजिए निकल रहे हों। वैसे यहाँ बहुत जगह मैंने देखे छोटे छोटे ताजिए, अगर रात में मौका लगा जितने हो सका उतना कवर करेंगे, इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड अभी मैं आ चुका हूँ लाल कुएं पे, बहुत तेज शोर हो रहा है, ढोल वोल बज रहा है, ताजिए खड़े हैं पीछे। यहाँ पर ज्यादा नीचे वायर है उसके लिए कवरिंग करने के लिए क्रेन भी है। ये देखो यहाँ से वायर टूटे वूटे होंगे ना। अभी हमें जामा मस्जिद मटिया महल की तरफ और सारे रास्ते बंद किए हुए हैं वैसे, यहाँ पर फोर्स बहुत ज्यादा है। यहाँ देखो जगह जगह कितनी फोर्स लगी है, पुलिस फोर्स, ये क्या हो गया, चहल पहल है यहाँ पर बाहर के मुकाबले। इधर देखो ताजिए खड़े में तीन तीन, ये एक ताजिया, ये छोटा है, एक ये वाला है बड़ा, और एक वहाँ पर है सामने, एक वो खड़ा हुआ, बाकी दो वहाँ पे खड़े हुए। अभी तो यार यहाँ पर पब्लिक बहुत ज़्यादा है भाई ताजियों के आसपास में। अभी घूम रहे हैं हम आगे, ताजिए और आ रहे हैं, तो वो भी मैं थोड़ा सा सीन रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ। अभी चल रहा है वहाँ पर आगे, बहुत शोर हो रहा है बहुत ज़्यादा। अभी चल रहा है मेरे पीछे ताजियों का शोर, ढोल बोल बहुत ज़्यादा बज रहा है। क्यों भाई भैया, आज भाई भैया आपको लेंगे वीडियो में, हाल बताओ भैया, हाल मज़ा आइए तो
आगे जो बाड़े के सारे ताजी हैं वो आगे की तरफ पड़ रहा है। फाइनली गाइस हालत हो चुकी है बहुत ज़्यादा डाउन। आपने देखा कि किस तरह से हम ताजिए देखने गए थे, जो आप सभी से सारी एक्टिविटीज सब कुछ बाहर की शेयर करी, आपने देखा किस तरह से रौनक थी बाहर बाजारों में। और अब फाइनली मुहर्रम का टाइम हमारा पूरा गुजर चुका है, अल्लाह का शुक्र है अच्छी तरीके से मुहर्रम मना। हालत देखो क्या हो गई है। बस फाइनली अब करते हैं सारे ब्लॉग की यहीं पर समाप्ति। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। रही जिंदगी, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।